सके। न्यूमेरिकल तुसी जो स्क्रीन पे देख सकते हो 113 नंबर क्वेश्चन है, जिस दे विच है कि जेकर 100 वाट दे दो बल्ब सीरीज विच लगाए जान तां हर एक बल्ब की लाइट कितनी होएगी, उतनी ही रहेगी, ऑप्शन एक है, या ये 1.5 गुना हो जाएगी, या ये लाइट जड़ी है पावर है वो दुगनी हो जाएगी, या ये पावर जड़ी है अद्धी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन लास्ट आ जाएगा, इसकी जड़ी पावर है वो पावर कितनी हो जाएगी, अद्धी हो जाएगी। इनू असी न्यूमेरिकली किदा सॉल्व करना है क्वेश्चन वो तुसी देखना है कि असी किस तरह जड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व करके ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए क्वेश्चन कि अद्धी पावर किस तरह आ जाएगी। जिस तरह मान लो साढ़े को असी 2 बल्ब ले ले, इन्हां बल्बों नू की किया सीरीज़ विच लगा लिया और अक्रॉस लगा दिती वोल्टेज। सानू पता है कि वोल्टेज सीरीज़ विच जिहड़ी वोल्टेज है वो डिवाइड होंदी है, करंट सेम रहिंदा, एक दे पॉइंट सानू पता होना चाहिए, और इसकी जिहड़ी पावर है वह कितनी है जी, 100 वाट है। तो पावर असी पी ही कैलकुलेट कर लें, अगर तुम 100 करना तो 100 भी कर सकते हो, पी ले लिया मैं, जब तुम लिख लो कि पावर कितनी है 100 वाट, यानी कि पी कि बराबर आ गया 100 वाट के बराबर, दोनों की जिहड़ी पावर है वो सेम है। असी निकालना है कि जो इनू सीरीज़ विच 2 बल्ब सीरीज़ विच लगाए जाते हैं तो जी टोटल पावर है वह वध जाती है जां उन्नी रह जाती है, लेकिन साडा आंसर है कि पावर जिहड़ी है अद्धी हो जाती है। उन्हों असी किस तरह कैलकुलेट करना है, तो सब तो पहला कैलकुलेट करने तो पहला सानू बल्ब की जिहड़ी रजिस्टेंस जिहड़ी है कैलकुलेट करने आनी चाहिए है। तो सब तो पहला असी दोनों बल्ब की रजिस्टेंस कैलकुलेट करांगे। पावर का फार्मूला होंदा साडे कोल, पावर बराबर होंदा बी गुना आई, तो वी नू असी इत्थे आई नू चेंज कर देने बी बटा आर, तो यानी कि साढ़े को जिहड़ी पावर है वह आ जाती है वी स्केयर बटा आर। ये जदों असी रजिस्टेंस आर की वैल्यू कढ़ांगे ये साढ़े को कितनी आ जाएगी जी, वी स्केयर बटा पी, तो पी की वैल्यू कितनी है ये आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है जी 100। एक बल्ब की जिहड़ी रजिस्टेंस है ये आ गई है, तो दूसरे बल्ब की भी रजिस्टेंस जिहड़ी है की होएगी, वह भी रजिस्टेंस जिहड़ी है सेम हो जाएगी। तो असी इत्थे कैलकुलेट करांगे टोटल रजिस्टेंस, जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है वह कितनी आ जाएगी, वी स्केयर बटा 100 जमा दूसरे बल्ब की भी ऐड कर लो, ये आ जाएगा वी स्केयर बटा 100। इनू असी जो प्लस करांगे आ जाएगा 2V² थले 100, इन्हों का लघुत्तम आ जाएगा, इनू कैंसल करांगे 5 × 2 = 10 नाल 0 लग जाएगी। ये टोटल रजिस्टेंस कितनी आ गई, 20/50, ये आ गई जी टोटल रजिस्टेंस। हुण ये सर्कट साढ़े को इस तरह का सर्कट बन जाएगा कि इहदी जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है वो असी कैलकुलेट कर ली है, हुण असी इहदी टोटल पावर कैलकुलेट करांगे। टोटल रजिस्टेंस कितनी आ गई साढ़े को, इस दे विच जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है वह आ गई 20/50। हुण असी इस सर्कट के अकॉर्डिंग इहदी पावर जो निकालांगे तो पावर का फिर फार्मूला असी उही लगावांगे, पावर आ जाएगा साढ़े को 20 × I, ये आ जाता साढ़े को जी 20² / R के बराबर। तो जो असी इस दे विच असी पावर निकालनी है टोटल पावर, तो बी सानू पता है इनू नीचे लिख देने पी, और बी की वैल्यू 20² ही है, और आर की वैल्यू कितनी है जी, टोटल रजिस्टेंस ही साढ़े को है 20² / 50, तो यदि वैल्यू जो असी पुट करांगे 20² / 50, तो यदि जो तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 20² / 50 उपर आ जाना, थले आ जाएगा 20² / 20² कैंसल हो गया, थोड़े को कितना आ गया जी 50। तो पावर कितनी आ गई साढ़े को, पावर आ गई 50 वाट की, पावर कितनी आ गई 50 वाट। अगर 200 वाट के बल्ब असी सीरीज़ विच कनैक्ट करते हैं तो इसकी जिहड़ी टोटल पावर है वह 50 वाट की आ जाती है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन के विच आ जाता है कि
200 वाट दे दो बल्ब लगे हैं, 200 वाट दे अगर दो बल्ब लगे हैं तो उन्हां दी जिहड़ी टोटल पावर है वो किन्नी आ जाएगी? तुसीं इहदा अद कर देना, इहदी टोटल पावर किन्नी आ जाएगी जी? 100 आ जाएगी। अगर 250 वाट दे बल्ब है तो उसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो किन्नी आएगी? अगर 50 वाट दे दो बल्ब लगाने हैं उन्हों दो नाल तकसीम कर दो, वह किन्ना आ जाएगा? 25 वाट। यानी कि पेपर के असी सीधी कैलकुलेशन करनी है कि अगर जेकर 100 वाट के दो बल्ब सीरीज लगाए होन तो उन्हों की हर एक बल्ब की जोड़ी लाइट है वो किन्नी हो जाएगी? अद्धी हो जाएगी। उन्हों की जोड़ी लाइट है वो किन्नी हो जाएगी? अद्धी। तो ऑप्शन लास्ट इसका राइट आंसर आया, और इस तरह तुम न्यूमेरिकली इनू सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।